यूपी की सियासत की समाचार प्लस पर सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां शिवपाल यादव बने हैं सपा के प्रदेश अध्यक्ष। अखिलेश की जगह प्रदेश अध्यक्ष अब शिवपाल सिंह यादव बने हैं। इस वक्त की ये अहम खबर, जहां अखिलेश यादव के बाद अब शिवपाल सिंह यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। समाचार प्लस पर ये बड़ी खबर, जहां यूपी की सियासत में अब शिवपाल सिंह यादव एक अहम भूमिका में। और ब्यूरो चीफ आलोक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, जिस तरह से अब अखिलेश यादव की भूमिका में, जो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अखिलेश यादव ने निभाई थी, अब शिवपाल सिंह यादव को ये भूमिका दे दी गई है, किस तरह से चुनावी नैया को पार लगाने का ये एक अहम कदम माना जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इसको चुनावी नैया को पार लगाने के कदम से पहले जो सबसे बड़ा कदम है कि घर में लगातार जिस तरीके से शिवपाल यादव और खुद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव कई दिनों से पिछले दो तीन दिन से दिल्ली में थे, उसके बीच में अखिलेश यादव ने तख्ता पलट एक तरीके से कर दिया, उनके कई चहेते लोगों को हटा दिया। लेकिन यहाँ तक कि आज खुद जो मुख्य सचिव है उनको हटा दिया। मुख्य सचिव के लिए विदित था ये कि वो शिवपाल यादव के काफी ज्यादा चहेते हैं और कहीं ना कहीं वो सारा जो उनका जो भी काम था वो शिवपाल यादव के इशारे पर कर रहे थे। इन सारी चीजों को के बाद आज जब पीएम ने शिवपाल ये मुख्य सचिव को हटाया, उसके बाद से कहीं ना कहीं घर के अंदर एक टेंशन था जो थोड़े दिनों पहले निकल कर बाहर आया था और उसको खत्म कर देने की बात कही गई थी, आज लगता फिर से शुरू हो गया। और जिसके चलते अब जो कमान है वो शिवपाल यादव को सौंप दी गई, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की कमान जो है वो शिवपाल यादव को सौंप दी गई। इसका मतलब कि चुनाव की सारी जो अधिकार है वो शिवपाल यादव के पास आ गए। तो निश्चित सी बात है उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी जो खबर है वो समाचार प्लस पे जो दर्शक है वो देख रहे हैं। और अब ये चीज है कि चुनाव से जुड़ी सारी चीजें अखिलेश यादव जो कि सूबे के मुख्यमंत्री, उनको शिवपाल यादव के साथ साझा करके बिल्कुल। लेकिन आलोक जी, ऐसे में माना जाए कि कई अहम बदलाव भी इस दौरान किए जा सकते हैं, क्योंकि अब कमान शिवपाल सिंह यादव के हाथों में है। देखिए, बिल्कुल, अब जो इसमें जो सबसे कई जो जगह पर जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कई करीबी जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, हो सकता है शिवपाल यादव सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई करें, जैसा कि पिछले कई बार कार्रवाई हो चुकी थी लेकिन उसको कहीं ना कहीं यू टर्न से वापस कर दिया गया था। तो निश्चित सी बात है कि बदलाव की पूरी संभावना है। और अब ये संभावना इसलिए ज्यादा सबल हो जाती है क्योंकि लगातार पिछले दो दिनों में जो घटित हुआ है, करीबी मंत्री शिवपाल यादव के की बात की जाए या जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव है उनके जो करीबी जो मंत्री थे और या जो उनके करीबी कद्दावर जो लोग थे उनको मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने वीटो पावर से हटाया और आज मुख्य सचिव को भी हटा दिया। बिल्कुल, लेकिन आलोक जी, जिस तरीके से कई बार मुलायम सिंह यादव भी नसीहत दे चुके हैं, कई बार धमका चुके हैं कार्यकर्ताओं को भी कि किस तरीके से जमीन विवाद को लेकर कई मामले सामने आ रहे हैं, पार्टी की छवि को यहां धब्बा लग रहा है, क्या इसे लेकर भी काम किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव की जो नसीहत है वो लगातार शिवपाल भी दोहराते आए हैं और अखिलेश यादव भी दोहराते हैं। आलोक जी, आपको यहां रोकना चाहूंगे। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, जिस तरीके से अब शिवपाल सिंह यादव को यहाँ मौका दिया गया है, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरीके से देखते हैं, क्या चुनौती बढ़ेगी बीजेपी के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार और संगठन में भारी अंतर विरोध सामने आ रहा है जी। इधर दो तीन महीनों से और खासकर कल से जिस तरह से घटनाक्रम बदले हैं, जिन मंत्रियों के ऊपर इनके पूरे परिवार का आशीर्वाद था और पूरा प्रदेश कह रहा था कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, कल उनको इनको बर्खास्त करना पड़ा, गायत्री प्रजापति को जी। आज शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये पार्टी ने जताया है कि अखिलेश यादव की कार्य क्षमता पर उनको उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और 4.5 साल बीतने के बाद जो एक कवायद समाजवादी पार्टी कर रही है कहीं ना कहीं डरी हुई है आने वाले चुनाव में, चूंकि उनके पास बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। कानून व्यवस्था के सवाल पर फेल रही सरकार, विकास के मुद्दे पर सवाल फेल रही है सरकार, और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का लगातार हमला सरकार के ऊपर और मुलायम सिंह यादव जी के करीबी मंत्री को उस समय बर्खास्त करना जब सीबीआई जांच की आंच स्वयं अखिलेश यादव और उनके परिवार पर पड़ रही थी, तो ये भारी अंतर विरोध है और इसका
इसको उत्तर प्रदेश की जनता देख भी रही है और पिछले 4.5 साल से भुगत भी रही है जी। लेकिन जिस तरीके से समय समय पर तमाम पार्टियां हैं जो कि अखिलेश यादव को ये कह चुकी हैं कि अभी नासमझ हैं, अभी बच्चे हैं, क्या अब शिवराज सिंह के अब यहाँ शिवपाल के हाथों में कमान आ गई है तो क्या ये चुनौती होगी आपके लिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मुख्यमंत्री को क्या कहा इसको छोड़ दीजिए, स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं लर्निंग मुख्यमंत्री हूँ। आखिर इतने बड़े प्रदेश को लर्निंग मुख्यमंत्री के हाथों में देने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा 4.5 साल बाद देखिए संगठन उनका है, किसको अध्यक्ष बनाते हैं नहीं बनाते हैं उनका अपना आंतरिक मामला है, लेकिन आज अखिलेश यादव जी के सांगठनिक और सरकार चलाने की दोनों पर सवालिया निशान खड़े होते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जब उनके पास अनुभव नहीं था, सरकार चलाना नहीं जानते थे, तो आखिर 4.5 साल तक उनको क्यों मुख्यमंत्री बना के उत्तर प्रदेश को बेहाल किया गया जी। लेकिन इन्हीं 4.5 सालों में हुए विकास पर चुनाव लड़ने की बात भी समाजवादी पार्टी कह रही है। आखिर विकास हुआ कहाँ पे? इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि 18 घंटे गाँव को, 22 घंटे शहरों को बिजली देंगे, कहाँ मिल रही थी? सड़कों की बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने लैपटॉप देने को कहा था कि इंटर पास सभी बच्चों को लैपटॉप देंगे और 5 साल में करीब 60 लाख बच्चे पास होते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया किसको? 18 लाख को। टैबलेट के लिए 1 करोड़ बच्चे मुख्यमंत्री जी को खोज रहे हैं। तो ये इन्होंने लॉलीपॉप पकड़ाया था जिसको उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है, सीख रही है और रोज उतर रही है। कानून व्यवस्था के सवाल से गृह मंत्रालय स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है, इसके बावजूद रोज उत्तर प्रदेश में स्वयं मुख्यमंत्री आवास के बगल तय हो रही है, रेप हो रहे हैं, लड़की को टांग दिया जा रहा है मारकर आवास के बगल में। आज उत्तर प्रदेश जिस दशा में गुजर रहा है इनके लर्निंग मुख्यमंत्री के उसको आखिर उत्तर प्रदेश की जनता ने भोगा है और उसका जवाब देगी जी। लेकिन मनीष जी जहां अब इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही पूरी तरह से छवि को बदल दिया जाए, जिन नेताओं पर सवाल उठ रहे थे उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया, मंत्रियों को हटा दिया गया और उसके बाद एक और ये बड़ा बदलाव। नहीं देखिए गायत्री प्रजापति के ऊपर पिछले 2.5-3 साल से ये सवाल उठ रहे थे और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब गायत्री प्रजापति के खिलाफ लोकायुक्त में जांच लेकर नूतन ठाकुर जी गई तो उनके पति जो IG रंग के अधिकारी है उनको स्वयं सपा सुप्रीमो ने फोन करके धमकाया जिसका ऑडियो वायरल हुआ था, आप सबको ध्यान में होगा। तो ये अंतिम दिन तक सरकार CBI जांच के बाद सरकार गई थी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद कि CBI जांच मत करिए, लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय ने इनके आग्रह को ठुकरा दिया तब इनको समझ में आया कि ये जो जांच है खनन अवैध खनन की ये स्वयं श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर उनके परिवार के वाली है, तब इन्होंने बर्खास्त किया। अगर सचमुच इनकी नेक नियति होती तो जिस दिन CBI विपक्ष के कहने पर न कहने पर जिस दिन CBI जांच का आदेश हुआ उस दिन उनको बर्खास्त करते। तो अपने को बचाने का प्रयास अब ये यादव कुनबा कर रहा उत्तर प्रदेश में जी। लेकिन मनीष जी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कई ऐसी पार्टियां हैं जिससे गठबंधन की भी बात कह रही थी, हाल फिलहाल यहाँ बनी नहीं थी बात लेकिन फिर भी आगे अब बढ़ा जा सकता है शायद इन मसलों पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रामेश्वर पांडे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उस वक्त ऑनलाइन पर जुड़े हैं। रामेश्वर जी किस तरीके से इस कदम को देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी के कि अब यहाँ शिवपाल सिंह के हाथ में अब कमान आ गई है, क्या बड़ा बदलाव यहाँ हो सकता है? देखिए ये कुल मिलाकर सत्ता संतुलन है। अभी जिस तरह अखिलेश यादव ने अपने को असर्ट किया, शिवपाल जी के करीबी 2 लोग हटाए गए जी, चीफ सेक्रेटरी हटाया गया, मुलायम सिंह जी ने कहा कि अब हरकत तो मुझसे पूछ के करेंगे नहीं अखिलेश, तो अखिलेश एक मुख्यमंत्री तो वह असर्ट कर रहे हैं लेकिन संगठन पर शिवपाल यादव को बिठाकर यह भी संकेत दिया गया है कि शिवपाल यादव भी तख्त के एक केंद्र है, एक सत्ता के एक शीर्ष केंद्र है। बिल्कुल ठीक है। और ये संदेश दिया गया है
मेरा ख्याल है कि संगठन के लिहाज से सपा ने एक बेहतर फैसला इस लिहाज से किया है, क्योंकि रामेश्वर जी खुद मुलायम सिंह यादव ने बात कही थी कि दो बार शिवपाल सिंह यादव उनके पास आ चुके हैं इस्तीफा देने के लिए, कई ऐसे कदम उठाए गए पार्टी में जिनसे वे नाराज थे, तो क्या इसे बैलेंस किया जा रहा है? जी हाँ, इसे ही नहीं बैलेंस किया जा रहा है। ये बात जब आप याद कीजिए कि मुलायम सिंह जी ने जब कहा था कि अभी मैं चल दू नाराज होके, तो आधे मेरे साथ चल देंगे, आधे शिवपाल के साथ चल देंगे जी। और इस बीच हमारे तो साथ कांग्रेस से अरुण प्रकाश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अरुण जी, किस तरीके से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के इस कदम को? चलिए उनसे संपर्क साधा जाएगा। और इस बीच रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, तो जैसे खुद ये संकेत दिया मुलायम सिंह ने कि संगठन पे पकड़ शिवपाल यादव की है जी, तो और ये दिखाई भी पड़ता है कि मुलायम सिंह के बाद अगर सपा संगठन पर जिलों जिलों में और तहसील के स्तर पर भी अगर कार्यकर्ताओं की पहचान है, तो वो शिवपाल यादव की है और लगातार वो संपर्क में भी रहे हैं, और पिछले दिनों के चुनाव में भी दिखाई पड़ा, इस बात का संकेत मुलायम सिंह ने भी दिया। तो ये भी सच है कि संगठन पर पकड़ अखिलेश यादव की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले से जताने की कोशिश शायद हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी हमारे साथ, और कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? जी, अरुण जी, जिस तरीके से अब शिवपाल सिंह यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, किस तरीके से इस कदम को देख रहे हैं? क्या यहाँ अब ज्यादा मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी आ रही है मैदान में? क्या चुनौती बढ़ रही है आपकी? नहीं, निश्चित रूप से मैं सारे चीज का दोषी श्री अखिलेश यादव जी को मानूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके संरक्षण में ही सारा भ्रष्टाचार हो रहा था, चाहे वो गायत्री प्रजापति का भ्रष्टाचार हो, चाहे राजकिशोर सिंह जी का भ्रष्टाचार हो, ये सारे भ्रष्टाचारों की जननी कहता है वो हैं। और स्वयं संगठन पे अखिलेश यादव जी की पकड़ ढीली थी, तो निश्चित रूप से कुछ कर गुजरने की शक्ति में अपने भाई लक्ष्मण के स्वरूप समझा होगा मुलायम सिंह जी ने, और एक निश्चित रूप से अमोघ शक्ति के रूप में प्रयोग कर रहे होंगे, वो लक्ष्मण क्या कहता प्रयोग कर रहे होंगे, ये मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन अरुण जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भीतर खाने से खबर थी कि नाराजगी चल रही है चाचा भतीजे में, और यहाँ हालांकि कोशिश भी की गई थी कि वो नाराजगी दूर की जाए, कई ऐसे संगठन थे जिनके साथ गठबंधन की बात हुई थी, लग रहा है कि अब उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, इसीलिए चेहरा बदला गया? नहीं, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का चेहरा उत्तर प्रदेश में बेनकाब हो चुका है, और समाजवादी पार्टी के चाल चेहरे और चरित्र को उत्तर प्रदेश की जनमानस जान चुकी है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी का राज, बहन बेटियों की इज्जत और बलात्कार का राज, तो ये भाई भतीजे और चचा भतीजे की लड़ाई दिखा करके उसको लीपने और पोतने का प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी। अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शहजाद पूनावाला इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। शहजाद, जिस तरीके से अब ये कदम उठाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उस भूमिका में नहीं है, अब शिवपाल सिंह यादव ने वो भूमिका अख्तियार कर ली है, किस तरीके से क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी खबर के बाद आपकी? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको क्या जिम्मेदारी देना चाहते हैं, पर ये जरूर एक बात सामने आती है कि शिवपाल जी और अखिलेश यादव जी के बीच में जो संबंध है वो कहीं हद तक ठीक नहीं है, और उस जब उनको हटा के शिवपाल जी को बनाया जाता है तो ऐसे लगता है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव जी में बहुत कम है, और अगर नेताजी का अपने पुत्र पर कॉन्फिडेंस ना हो तो जनता और आवाम का कॉन्फिडेंस ऐसे मुख्यमंत्री में कैसे हो सकता है, ये लोग सोचेंगे। और शायद मुझे लगता है कि नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है मुलायम सिंह यादव